शाह मार्केट से राइफल चोरी करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लंगूर वाले को जेल भेज दिया है। लंगूर वाले युवक का कहना है कि उसने राइफल चोरी नहीं की बल्कि द्वेष भावना के चलते स्टोर से उठाकर दूसरी जगह छिपा दी थी। थाना हरिपरबत शाह मार्केट से सिक्योरिटी गार्ड की राइफल चोरी होने के मामले में पुलिस ने मुकदमा लिख लंगूर वाले को जेल भेज दिया है। लंगूर वाले राजू उर्फ देवेंद्र पूछताछ करने पर पुलिस को बताया कि उसके परिवार में कोई नहीं है। लच्छीपुरा राजपुर चुंगी सदर में मौसी के पास रहता है। नेहरू नगर में कोठियों के आसपास घूमने वाले बंदरों को भगाने के लिए लंगूर लेकर जाता है। कोठियों से मिलने वाले पैसे से अपना भरण पोषण करता है। मैं चोरी नहीं की थी, मैं दुबकाने की कोशिश की थी। मैंने तो दुबकाने की कोशिश की थी, बस सुन दिया था नहीं चौकीदार वहाँ पर। अच्छा। चौकीदार रात में जगा देता मुझे, उठ यहाँ से चल, यहाँ से जाए मैं ठंडे कहाँ सुनूंगा, मैं मेरी चार कहाँ सुनाऊंगा ठंड में। उन्होंने कहीं जा सो, चल अब सो जा। जब उन्होंने फोन करा था पुलिस वाले को, जब पुलिस वाला आई, पुलिस आई थी, कहाँ छिपा दी थी? मैंने मैं छिपा दी थी हॉल में। चोरी नहीं? नहीं। अच्छा, तो कहाँ रहते हो तुम? सही नगर। तुम्हारे परिवार में कोई है? नहीं। कहाँ रहते हो? किसके साथ रहते हो? अकेला रहता हूँ मैं तो। कहीं कोई घर नहीं है? फिर? नहीं, कहीं नहीं। राइफल छिपा करके मतलब कहीं ले जाने नहीं? नहीं, मैं क्या करूँगा, इतनी भारी चीज थी। लंगूर वाले राजू का कहना है कि कभी कभी शाह मार्केट में सो जाता था, लेकिन सोने का विरोध सिक्योरिटी गार्ड करता था। रात को सोते समय सिक्योरिटी गार्ड ने कई बार भगाने का प्रयास किया था। आरोप है कि इसी द्वेष भावना के चलते उसने सिक्योरिटी गार्ड की राइफल स्टोर से उठाकर दूसरी जगह छिपा दी थी। लंगूर वाले का कहना है कि उसका राइफल चोरी करने का कोई मकसद नहीं था। राजू को पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन उसका लंगूर फिलहाल पुलिस के कब्जे में है। पुलिसकर्मी लंगूर को दिन भर खाना खिला रहे हैं। देखिए, थाना हरिपरवत क्षेत्र के शाह मार्केट में एक चौकीदार की राइफल चोरी होने की कल सुबह सूचना आई थी, और इसमें थाना हरिपरवत पुलिस ने समय रहते बहुत अच्छी कार्रवाई की है, और राइफल जो व्यक्ति चोरी करके ले गया था उससे बरामद कर ली गई है, और सुसंगत धाराओं में आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी इसमें ये जांच का विषय है, हम लोग उस व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, उसको कहीं पर बेचकर कुछ लाभ लेने के लिए ही चुराई हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है पूछताछ के बाद ही हम लोग कर पाएंगे। एएसपी सौरभ दीक्षित का कहना है कि राजू उर्फ देवेंद्र ने शाह मार्केट से सिक्योरिटी गार्ड की राइफल चुराई थी। लंगूर वाले की निशानदेही पर राइफल बरामद की गई है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर राजू को जेल भेजा गया है। नेहरू नगर चौकी इंचार्ज हितेश आजाद का कहना है कि पहले लंगूर वाले ने गुमराह करने का प्रयास किया था, लेकिन तड़के 5 बजे के करीब राजू की सीसीटीवी कैमरे में चहलकदमी नजर आई। अगर लंगूर वाला हाथ नहीं आता तो राइफल पुलिस के लिए मुसीबत बन सकती थी। राइफल बरामद होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। उमेश शर्मा, सी न्यूज, आगरा।